एनीबी थाना क्षेत्र जवाहर नगर में एक गैस एजेंसी मालिक से बाइक सवार बदमाश 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गैस एजेंसी मालिक ने अपनी कार से बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाश चकमा देकर फरार हो गए। इसके बाद गैस एजेंसी मालिक ने एक मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया गया। वहीं लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां बाइक सवार बदमाश कार में रखे बैग से 3 लाख रुपए निकालते हुए भागते हुए भी नजर आए। गैस एजेंसी मालिक से 3 लाख रुपए की लूट की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। अपनी एजेंसी से निकला तो उससे पहले ही निकलने से पहले दो लड़के इधर जवाहर नगर पर जो बोरिंग लगी है नई ट्यूबवेल के लिए उस पर खड़े हुए थे, जिनके नकाबपोश था, मास्क भी लगा रखा था और हेलमेट भी पहने हुए थे। वो दिखे मुझे 9 बजे के आसपास। मैंने सोचा कि इसी मोहल्ले होंगे। उससे पहले मुझे बताया इन सामने वालों मेडिकल वालों ने कि उन लड़कों ने इधर जो कॉर्नर है यहाँ भी वो करीब आधा घंटा खड़े रहे, आधा घंटा इधर खड़े रहे, आधा घंटा इधर खड़े रहे। उन्होंने रेकी की पूरी। संवाददाता विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए विपिन, 3 लाख रुपए की लूट की गई है, अभी क्या कुछ पूरा मामला है और क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी रिक्चा, मैं आपको बताना चाहूंगा, एनीबी थाना क्षेत्र जवाहर नगर का ये मामला है, जहां एक गैस एजेंसी मालिक से बाइक सवार बदमाश आए और 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वही गैस एजेंसी मालिक ने अपनी कार से बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बाइक सवार बदमाश जो है चकमा देकर फरार हो गए। उसके बाद गैस एजेंसी मालिक ओम प्रकाश ने इस मामले की सूचना तत्काल एनीबी थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। वही लूट की घटना जो है आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां बाइक सवार बदमाश कार में रखे बैग से 3 लाख रुपए निकालकर बाइक से भागते हुए नजर आ रहे हैं और गैस एजेंसी मालिक बाइक सवार बदमाशों का कार से पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बदमाश का अभी सुराग नहीं लगा है, बदमाश फरार हो गए हैं। वही गैस एजेंसी मालिक ओम प्रकाश ने मामला पुलिस में दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है। वही गैस एजेंसी मालिक ओम प्रकाश ने बताया कि वह 3 लाख रुपए गैस एजेंसी का जो कलेक्शन है वो लेकर अपने घर सूर्यनगर जा रहे थे, तभी यह घटना जवाहर नगर क्षेत्र में हुई है। बिल्कुल नितिन, और ये देखिए अचानक से नहीं हो सकता है, कोई ना कोई शामिल जरूर होगा, क्योंकि 3 लाख रुपए लेकर ये गैस एजेंसी मालिक जब जा रहा था तो जाहिर है कि ना किसी घंटे से सूचना किसी को दी गई होगी कि भाई वो लेकर पैसे लेकर जा रहे हैं। अभी तक क्या पुलिस इसका तलाश कर रही है इसके? जी रिचा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया, बिल्कुल, क्योंकि जो रेकी करने वाले ये जो बदमाश थे ये पहले से ही 3 से 4 घंटे पहले ही गैस एजेंसी के आगे पीछे इधर उधर घूम रहे थे और ये दो लोग बाइक पे बैठकर रेकी कर रहे थे। एक लड़का जो है इनमें से पैदल पैदल गैस एजेंसी के आगे से क्या बोलते हैं रेकी कर रहा था। जैसे ही गैस एजेंसी मालिक ओम प्रकाश जो कैश कलेक्शन लेके अपनी कार में और दूरे नगर अपने घर की तरफ निकले, वहीं आगे मोड़ पर जाकर इस घटना को ये बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया और 3 लाख रुपए बैग से ले गए। स्ट्रैटेजी बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। शुक्रिया आपका नितिन अधिक जानकारी देने के लिए।